इस तस्ना का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस तस्ना का मतलब ये है कि एक चीज जो बनी ही नहीं उसको आप पहले से ही बेच देते हैं, और उस बेचने के प्रोसेस के दरमियान आप जो है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस तरह की उस चीज को बनाना है। तो मिसाल के तौर पर मैं अभी दूसरी क्लास के साथ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा था कि आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मेन गेट जैसा बनवाना है। आप वेल्डर को बुलाएंगे, लोहार को बुलाएंगे जो वेल्डिंग का काम करता है, उसे कहेंगे यार ये मटीरियल चाहिए, ये इस तरह का पाइप चाहिए, इस तरह का आयरन चाहिए, इस तरह का हमें जो है वो आप बना के दें मेन गेट। वो कहते हैं एस्टिमेशन करके, कहते हैं 70,000 रुपये का बनेगा। वो कहते हैं ठीक है कुछ कम करो, डील 60,000 में हो जाती है। वो कहते हैं जी कोई 20% एडवांस दे दो, 12 से 15 हज़ार रुपये आप एडवांस दे देते हैं, वो आपके लिए आपने उसको खरीद लिया उस चीज को जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो बेसिकली सेल ट्रांजेक्शन हो रही है बिफोर इट कम्स टू एग्जिस्टेंस। वो लोहार ने आपको बेच दिया है, आपने उसे खरीद लिया है और चीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती, और जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है वो बता दी है, और मैन्युफैक्चरर अपना रॉ मटेरियल यूज करते हुए उसको बनाएगा। कीमत उसकी फिक्स हो जाएगी और सारे फैक्शन फिगर्स को आप सेटल कर देंगे और एंड पे आपकी एक चीज क्लियर हो जाएगी। दैट इज इस्तिस्ना, इसको आप इस्तिस्ना कहते हैं। गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम समवन, जस्ट 1 मिनट जी मैं मैसेज पढ़ लूं। कार प्री बुकिंग इज आल्सो इस तरह के बनने से पहले बिक जाती है, और उसके इंस्पेक्शन फीचर्स आपको पता होते हैं। आप मार्केट में जाते हैं डीलर के पास, उसे बताते हैं कंपनी से को मुझे ये फीचर वाली गाड़ी जो है बना के दे दे, कहते लाओ जी पैसे। फिर वो आपको 6 महीने का टाइम दे देते हैं और 6 महीने बाद आपकी गाड़ी जो है वो बुक हो जाती है। तो ओके सो तो इसको इस तरह से कहते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपके लिए वो चीज बनना स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो गेट है तो जरा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, उसने बनाया ही नहीं, अभी बनना शुरू नहीं किया, तो आप उसे कहते हैं यार मुझे नहीं चाहिए, कुछ चेंज हो गया माइंड, पैसे कम हो गया, गेट सस्ते वाला लगाना है, महंगे वाला नहीं लगवाना, तो आप इसको कैंसिल कर दे। तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, गाड़ी को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। जनरली गाड़ी क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है तो किसी और को बेच दी जाती है, लेकिन गेट जो है वो किसी और को नहीं बेचा जा सकता। तो अगर वो बनना शुरू हो गया तो तब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, स्टार्ट होने से पहले पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने सलाम भी पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए बैंक को अपनी फसल पहले ही बेच देते थे और फसल अभी लगानी होती थी। हम देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। कहते हैं इस तरह सलाम मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के लिए होता है और सलाम किसी भी तरह की चीज के लिए हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओनली, इट कुड बी फॉर एनीथिंग। देन द नेक्स्ट थिंग इज आप सलाम के अंदर कीमत पूरी पे करते हैं, और इस तस्ना के अंदर आप जनरली क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जी 20% दे दें, 50% दे दें, बाकी पैसे काम पूरे होने के बाद। तो वहां पे आपको पूरी कीमत, प्राइस डज नॉट नेसेसरी, पूरी कीमत देने की जरूरत ही नहीं आपको। देन वी टॉक अबाउट के डिलीवरी का टाइम फिक्स, अच्छी बात है, लेकिन इसके ना होने से, फिक्स ना होने से आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी इस तस्ना खराब नहीं होता। मिसाल के तौर पे 5 जून 2021 की डेट दी गई है कि गेट बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर 6 हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन भी गुजर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गेट ऐसी चीज है जिसके होने या ना होने से घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो इफेक्ट इतनी नहीं होती, लेकिन अगर एक सरिया है और उसका आपने लेंटर डालना है और आपका मटेरियल पड़ा हुआ है और सारी शटरिंग हुई है और सरिया टाइम पे नहीं आता, तो उससे चीजें इफेक्ट होती हैं। सो इस तस्ना जो है वो बेसिकली आपकी आइटम्स की एक रेंज बताता है कि किस रेंज के अंदर डिलीवर करना है, जबकि सलाम के अंदर उस डेट का पूरा होना जरूरी है, बिकॉज उस डेट के ऊपर नीचे होने से आपकी फसल की कीमत ऊपर नीचे होती है। गंदम है तो आज जाएंगे तो लाहौर के अंदर 2200 रुपये 2100 रुपये मन मिल रही है,
जैसे ही कटी थी और ब्लैक तरीके से लाहौर के अंदर आ रही थी या गांव में आप खरीद रहे थे तो 1800 की भी मिल रही थी, 1900 की भी मिल रही थी। तो इस वजह से हमने क्या है प्रोसेस जो है वो देखना है कि इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल रहे और कोई किसी भी पार्टी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना आए। देन कहते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले कैंसिल कर सकते हैं और कहते हैं इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। इसी तरह कहते हैं जी मैन्युफैक्चरर अपना मटेरियल यूज करता है जो आप उसको बताते हैं कि जारा के अंदर जो है वो मटेरियल बता दिया जाता है, जैसे आप बीज वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। देन आप इंस्पेक्ट करने के बाद चीजों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, इस केस के अंदर आप चीजों को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो चीजें आपके रेलिवेंट मटेरियल की नहीं बनाई गई, आपसे मिलती जुलती आइटम की चीजें जो है वो नहीं बनाई गई। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली सी कि अगर गेट आपने बनाने के लिए दिया है और वो गेट उस तरह का नहीं बना जिस तरह का बनना चाहिए था तो आप उसे कहते भाई हमें नहीं जरूरत है आप ही रख लो, दैट्स फॉर यू नॉट फॉर अस। सो इस वजह से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। टाइम ऑफ डिलीवरी वो कहते हैं जरूरी नहीं है बट उसका एक मैक्सिमम टाइम डिसाइड कर लें कि भाई एक महीने के अंदर अंदर तो कम से कम प्लस माइनस हो सकता है, 4 महीने प्लस माइनस एक गेट के ऊपर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज वेरी वेरी लार्ज मार्जिन। तो आप प्लस माइनस ऊपर नीचे करके इन चीजों को आपस में हिसाब किताब कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट हाउ द डिलीवरी इज वर्क in or the you can say the delivery date is worked in istisna. Yahan tak koi sawal? Kisi kisam ka koi sawal hai ab pooch sakte hain. Okay, next we talk about penalty ke istisna ke andar kya penalty hai ya होनी चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि पेनल्टी होनी चाहिए इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में या नहीं होनी चाहिए, पहला सवाल आपसे है। फिर सवाल है कि इसका फायदा क्या है नुकसान क्या है। पहला सवाल है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई बताएगा? पेनल्टी होनी चाहिए पेनल्टी क्या बनती है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में ऐसे वैसे होने की जिसको हम कहते हैं इफ आई हैड जी सर इसको वादा खिलाफी कहते हैं वो एक सर ने एग्जांपल सेट हो जाएगी। ओके वादा खिलाफी की तो पेनल्टी होनी चाहिए। अब मेरा सवाल एक मैं मिसाल देता हूं आपको फिर आप उसका जवाब पेनल्टी होनी चाहिए। ओके मैं आपको एक सवाल देता हूँ फिर आप उसका जवाब दीजिएगा कि एक शख्स है वो आपकी शॉप पे आया था, दूसरी क्लास में एग्जांपल ये दी कि आपकी किसी हाईवे पे शॉप है, वो बस में ट्रेवल कर रहा था, बस रुकी, वो आपकी शॉप पे आया, उसने 1000 रुपए दिए और आपसे 100 रुपए की 1.5 लीटर की कोक की बोतल परचेज कर ली और वो पैसे लेना भूल गया और आप उसको पैसे गिन के देने के लिए अपने गले से पैसे निकाल रहे थे और वापस मुड़ के देखा तो वो बस के अंदर बैठ के जा चुका था। 1000 रुपया उसने दिया, कीमत जिस चीज की थी वो 100 रुपए थी, 900 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। अब सवाल ये है कि आपने कितने पैसे कमाए? कितने पैसे कमाए ना? ये तो मतलब एक बाय चांस या मिस्टेक 900 रुपए कमाए मगर वो मिस्टेकनली हो गया क्या आपकी नियत क्या बोल सकते हैं उस समय आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैंने ऐसा करना है मगर हाँ, वो हो गया। हाँ, तो नहीं कमाए कितने हैं उसने? अच्छा तो सर उसने 900 रुपए जी देखा कमाए उसने 900 रुपए कमाए इसके अलावा बोतल की कोस्ट में जो पैसे कमाए। देखिए कमाए उसने 100 रुपए जो उसके पास आए, 900 एक्स्ट्रा है जो उसने कमाए नहीं क्योंकि 900 की उसने कोई सर्विस नहीं दी, कोई प्रोडक्ट नहीं दी। 100 की उसने प्रोडक्ट दी है, 900 की कोई प्रोडक्ट नहीं दी, लिहाजा
उस 900 के इवज कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोडक्ट सर्विस ना देने की वजह से वो पैसा आ तो गया लेकिन कमाया नहीं गया। जब हम फाइन की बात करते हैं तो इस्लाम में इकोनॉमिक सिस्टम या ये लेन देन के पर्पस में आपने एक दूसरे को फैसिलिटेट करना है, ना कि दूसरे के लिए किसी किस्म की मुश्किल को पैदा करना है। तो पेनल्टी इज बेसिकली क्या, जो मैं दूसरी क्लास के साथ मिसाल दे रहा था कि एक लीज की इंस्टॉलमेंट है जो कि 5 तारीख तक पे नहीं होती तो 6 तारीख को उसके ऊपर 500 रुपये फाइन हो जाता है। क्या 500 रुपये बैंक ने कमाए हैं? नहीं सर, बैंक ने नहीं कमाए 500। वो उसके इवज 500 के इवज बैंक ने कोई सर्विस नहीं। तो लिहाजा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के अंदर पेनल्टीज जो होती हैं वो बैंक की कमाई नहीं होती। इस पे जोरिस्ट जो है, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि जी देखें, जो चीज कमाई नहीं वो आपकी कैसे हो गई? लीज की पेमेंट है, उसमें आपने हिस्सा डाला हुआ है, आपने गाड़ी लेके दी हुई है, आपको पैसे की मलकियत है, वो आपको अपने हिस्से के अलावा आपके हिस्से का रेंट पे करता है और प्लस उस गाड़ी की कुछ कीमत पे करता है ताकि एंड पे वो उसकी हो जाए, तो वो तो आप कमाते हैं। 500 आपने कमाया नहीं तो ये आपकी इनकम नहीं है, आप इसको अपनी इनकम के तौर पे नहीं लिख सकते, हराम हो जाएगा अगर आप इसको इनकम लिखेंगे। तो फिर क्या होता है, वो जो इस पेनल्टीज होती है उन पेनल्टीज को एक सेपरेट अकाउंट में इकट्ठा कर दिया जाता है और मुस्लिम जूरिस्ट का उसके ऊपर ओपिनियन है या डायरेक्शन है कि आप इसको वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए यूज करें, क्योंकि ये उसी सोसाइटी से कमाए हैं आपने पैसे और उसी सोसाइटी के लोगों के ऊपर वापस लगा दें, एजुकेशन में कोई स्कूल बना दें, कोई ट्रेनिंग करवा दें, कोई हॉस्पिटल के अंदर मशीन परचेज करवा दें, किसी का मेडिकल फंड जो है उसको स्पॉन्सर कर दें। तो दिस इज हाउ आपका जो पेनल्टी है इस्लाम में वो बेसिकली इनकम में फॉल नहीं करती। यहाँ पे फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि देखिए, जैसे एग्जांपल दी के यहाँ पे जा रहा, हम देखेंगे जा रहा क्या होता है बाद में, कि अगर कोई शख्स आपके लिए सूट सिलवाता है तो आप उसे कहते हैं भाई जल्दी चाहिए, तो वो कहता है जल्दी के 100 रुपये और एक दिन के बाद के 80 रुपये। तो काम जल्दी होने की वजह से कीमत बढ़ गई, तो काम लेट होने की वजह से कोई पेनल्टी भी यानी कीमत को बढ़ना चाहिए। तो बहरहाल ये थोड़ा सा हिंट मिलता है, तो इस्लाम इस पेनल्टी को जनरली पसंद नहीं करता, इसके ऊपर जो है वो स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हैं वो साइलेंट हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं। अभी दूसरी क्लास के अंदर मैं पेनल्टी के ऊपर बात कर रहा था, जो कि एक हमारे पास एग्जांपल्स में शेयर कर रहा था कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर 2005 के बाद इस्लामिक बैंकिंग का बूम आया और उसके बाद 2012 के बाद वो तकरीबन खत्म हो गया 13-14 के अंदर जाके। इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स मार्केट में आई और इस्लामिक बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड जो है वो बहुत मशहूर हुए, एक्सेप्टेबल हुए। उसकी वजह क्या थी कि देखिए, क्रेडिट कार्ड पे अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में आप इंटरेस्ट पे कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ, उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी नहीं थी, तो वो कमर्शियल बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड्स के मुकाबले में इस्लामिक बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड्स बहुत सस्ते और पेनल्टी के बगैर हो गए। तो हर वो शख्स जो के इस फैक्ट से बारे में पता चलता गया, उसने अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स को बंद करवाया और नए क्रेडिट कार्ड्स लेना शुरू कर दिया। अब नए क्रेडिट कार्ड जो है वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं इस्लामिक में, और इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मुसलमान हैं तो आपको इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज दी जाएंगी। इट इज योर ऑप्शन कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं तो आपने इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को लेना है या नहीं लेना, वो आपकी मर्जी है, वो आपके रिलीजन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो वो लोग जो कि मुस्लिम नहीं थे, उन लोगों ने भी इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को जो है क्रेडिट कार्ड को यूज करना शुरू किया दिया और में एक कंसिडरेबल शिफ्ट आया। और फिर दूसरे बैंक ने देखा कि भाई मसला तो ये है कि हम पेनल्टी चार्ज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट और ये लोग पेनल्टी नहीं चार्ज करते, तो वो चले गए अपने सेंट्रलाइज्ड बैंक के पास या ऐसे इंस्टीट्यूट के पास, आई फॉरगॉट द नेम, जहां पे इस फैक्ट को डिस्कस किया जाता है कि भाई मार्केट के अंदर कंपटीशन की फिजा रहनी चाहिए और किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि क्योंकि इसके ऊपर वो फैसिलिटी नहीं है जो कि रिलीजन की वजह से इम्पोज
होनी थी और वो खत्म हो गई, रिलीजन ने उसे खत्म कर दिया। तो ये मजहब का सहारा लेके हमारी मार्केट को खराब कर रहे हैं ये इस्लामिक बैंकिंग वाले। हमारी बैंकिंग तो डूब जाएगी, हमारी इतनी की बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक चीज लेके आया इस्लाम को बेस बनाया। फिर यूके के अंदर पेनल्टीज इम्पोज कर दी, और पेनल्टीज इसलिए इम्पोज की गई कि आप इस्लामिक बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड को कन्वेंशनल बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड के एट पार लेके आएंगे, फिर जिसकी जो मर्जी हो वो उसको परचेज कर ले। तो वहां पे फिर रिवर्स किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेनल्टी है या जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से पसंद नहीं किया जाता। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी है कि इस तस्ना को आप पैसा लेने के लिए या अपनी पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए किस किस तरह यूज कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल यहाँ पे दी है। पहली है कि आपके पास जमीन का एक टुकड़ा है और आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो आप उससे कहते हैं कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में इस तस्ना को यूज करना है। इस तस्ना कैसे यूज होता है कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती आप उसको क्या कर देते हैं, किसी के कहने पे बनाते हैं और बेच देते हैं। अब सोचिए आपके पास प्लॉट है, घर बनाने के पैसे नहीं है, लेकिन आप किस्तें दे सकते हैं, महीने के 25,000-30,000 रुपए दे सकते हैं, लेकिन आप 50 लाख रुपए नहीं इकट्ठे कर सकते एक ही दफा में एक साल के अंदर। आप बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मेरे पास ये जगह है, मैं आपको घर बना के बेच दूं। बैंक पूछता है कि डू यू नीड आर यू इन नीड ऑफ फाइनेंस टू इस्तस्ना। आप कहते हैं यस यू आर राइट। बैंक क्या करता है, बैंक आपको इजाजत देता है कि पैसे पकड़ो और बेसिकली इस तरह का घर बनाओ। बताते तो आप ही हैं, लेकिन उसके ऊपर अप्रूवल किसका आ जाता है, बैंक। तो वो बैंक की डायरेक्शन बन जाती है कि ये वाला घर बनाए बैंक की डायरेक्शंस के ऊपर, और बैंक वो घर खरीद लेता है। इन शॉर्ट वो बैंक के नाम उस घर के कागज हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, अभी देखे बनाया क्लाइंट ने, जमीन उसकी है लेकिन नाम किसके हो गया, बैंक, तो बना के बैंक को बेच दिया, इस्तस्ना हो गया। और अब आप क्या करते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेमेंट्स करते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो नाम आपके ट्रांसफर हो जाता है। तो एक ऐसी चीज आप बैंक को दे देते हैं पहले ही जो क्रिएट ही नहीं हुई होती। तो इस तरह से आप मॉर्टगेज फाइनेंसिंग करवाते हैं। देन हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अगर हमने स्पॉन्सर करना है तो कैसे करें। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कारोबार में वो पैसा लगाया हुआ, वो पैसा जो रोजमर्रा की जरूरियात के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे रोजमर्रा की जरूरियात में आपकी तनख्वाहें आ जाती हैं, रॉ मटेरियल आ जाता है, रोजमर्रा की जरूरियात के अंदर बिजली के बिल आ जाते हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते हैं। तो इस तरह से आपकी वो जरूरत जो कि डेली एक्सपेंस की होती है वो कैपिटल में आ जाती है। मेरे पास एक शख्स आता है और कहता है जी जुदा मुझे ये ट्रैक्टर के पीछे 12 प्लेटों का जो है ना वो हल बना दे, आपके पास पैसे नहीं है उसको बनाने में। या वो कहता है जी मेरी जमीन ज्यादा है, या मैं आगे सेल करता हूँ, मेरी दुकान है, आपके पास फैक्ट्री है, यहाँ पे आप बना सकते हैं, तो आप मुझे 10 बना के देना। एक ही कीमत डिसाइड हो जाती है जी, कोई 80,000 रुपए, 10 की 80 लाख, 8 लाख रुपए हो गए। आपके पास 8 लाख रुपए नहीं है लेकिन कस्टमर है। कस्टमर कहता है जी मैं आपको 2 लाख दूंगा, बाकी 6 लाख आप खुद डालें, जब माल तैयार हो जाएगा मुझे बताइए कि मैं उठाऊंगा पैसे दे दूंगा। अब आप क्या कह रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल यानी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए लेकिन आपके पास पैसे है नहीं, तो आप इस तस्ना को यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज करते हैं, आप कहते हैं बैंक को मुझे पैसे की जरूरत है 6 लाख रुपए, इस तस्ना के थ्रू। बैंक कहता है ठीक है, तो ऐसे करते हैं वो जो आपने हल बनाने हैं 8 प्लेटों के 10 प्लेटों के वो आप मेरे कहने पे समझे बना रहे हैं, मैंने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, और असल ऑर्डर तो वो कस्टमर का है, आप वो बना के मुझे बेच दें अभी, जब वो बन जाएंगे तो मैं आगे से उस कस्टमर को बेच दूंगा जिसके लिए आपने एक्चुअल में बनाया। तो बेसिकली बैंक आपको पैसे अभी देगा, ऑन पेपर आप उसकी डिलीवरी बैंक को देंगे, बट असल में बैंक जो है उसको फिजिकली रिसीव करने की बजाय आगे उस कस्टमर को दे देगा, दे भी आप ही रहे होंगे लेकिन ऑन पेपर उस कस्टमर को सेल हो जाएंगे और आपके पास की जो फाइनेंसेस है वो फाइनेंस हो जाएगी। तो बैंक ने आपसे फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए आपको देने के लिए वो 60,000 रुपए के हिसाब से खरीदे, और जब वापस बेचे उसको तो वो 65,000 रुपए के हिसाब से,
तो पर हल जो है वो आपको 5,000 रुपए का मुनाफा होगा, टोटल 50,000 रुपए आपको पे करने पड़ गए। तो बेसिकली ये बैंक ने अपने पैसे पूरे कर लिए, फाइनेंस कॉस्ट निकाल दी, आपको भी आपकी जरूरत के पैसे मिल गए और जिसको आपने डिलीवर करना था उसको आपने डिलीवर भी कर दिया। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इस्तिस्ना कैन वर्क फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी है कि अगर एयर कंडीशनर का प्लांट लगाना है तो वो भी कवर हो सकता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए, भी मैंने एग्जाम्पल दे दी। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से, वी आर मोर कंसर्न अबाउट हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड एंड बीइंग डिस्पोज्ड। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं, ये आप खुद से पढ़ेंगे, आई विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, बट इसको कवर करने से पहले मैं दूसरी क्लास के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा था, दैट वाज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान का एक इदारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जिस तरह वो यूके के अंदर क्रेडिट कार्ड्स में आपने उस रेलेवेंट फोरम को जो है वो हेड किया और कहा कि ये मसला है, तो उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक इदारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो के इस मार्केट के अंदर कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए मार्केट को चेक करता रहता है, और अगर किसी जगह पे कार्टल्स नजर आए कि कंपनीज आपस में मिलके कीमत को बढ़ा रही हैं या एक कंपनी बाकी कंपनीज को नीचा दिखाने के लिए कोई गलत काम कर रही है, फिर उनको फाइन होता है और मना किया जाता है। मैंने अभी दूसरी क्लास के साथ एक एग्जाम्पल शेयर की कि मास्टर पेंट का एड आता था जिसमें आपने देखा होगा कि सुहेल अहमद साहब और जो फौत हो गए, शहीद हो गए अमजद चौधरी साहब, वो इकवाली के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो एक टोकन वाला पेंट है और एक मास्टर पेंट है, उसके ऊपर एक दूसरे के खिलाफ शायरी के जरिए बातें हो रही थी। तो मास्टर पेंट वाले कहते हैं कि ये जो टोकन वाला है वो पेंट ही नहीं है। तो इस चीज को बेस बना के बाकी जो पेंट इंडस्ट्री के मेन प्लेयर्स थे उन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन में कंप्लेन की कि देखें पेंट का टोकन के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, पेंट एक ऐसा एडहेसिव लिक्विड टाइप मटेरियल है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेयर्स को, डिफरेंट सर्फेसेस को, वो वुड को भी देता है, मेटल को भी देता है, ब्रेक वर्क को भी देता है, एस्फॉल्ट को भी करता है। तो बेसिकली मास्टर पेंट का ये कहना कि टोकन ना हो तो वो चीज पेंट होती है और टोकन हो तो वो पेंट नहीं होता, ये गलत बात है नंबर वन। नंबर टू, उन कंपनीज ने मास्टर्स पेंट को इस बेस पे भी ऑब्जेक्ट किया कि देखिए कंपटीशन कमीशन के सामने ये केस रखा कि देखिए कि हर चीज को बेचने के लिए आप कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज करते हैं, उसमें डिस्काउंट्स आ जाते हैं, एंडोर्समेंट्स आ जाती हैं, वाउचर्स आ जाते हैं, लकी ड्रॉज आ जाते हैं, सरप्राइजेस आ जाते हैं, तो हमने भी उसी में से एक लकी ड्रॉ टाइप आइटम को चूज किया और एक टोकन या एक पीस ऑफ पेपर हमने रखा है अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसके अंदर जैसे बाकी लोगों की गाड़ियां निकलती हैं, सोने के बिस्किट्स निकलते हैं, हज उमरा के टिकट निकलते हैं, दुबई के रिटर्न टिकट्स मिलते हैं, मलेशिया थाईलैंड के जो है वो टिकट्स मिलते हैं, तो हमने उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए इनको गाड़ी बाइक इस्त्री इस तरह की कुछ चीजें जो है वो एज अ मार्केटिंग टेक्निक यूज की है। इट डज नॉट हैव टू वर्क विद आवर क्वालिटी, क्वालिटी जो है वो हर कस्टमर को पता होती है या होनी चाहिए कि वो क्या चीज परचेज कर रहा है, हर तरह की वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है बेस्ड अपॉन योर परचेजिंग पावर। तो ये जो इनकी तरफ से कहा गया है कि टोकन जो है वो बेसिकली आपका पैसे का जया है, तो टोकन पैसे का जया नहीं है, मार्केटिंग टेक्निक है, तो ये मास्टर पेंट वाले गलत काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मास्टर पेंट वालों को रोका जाना चाहिए कि वो इस स्पेस के ऊपर अपनी मार्केटिंग ना करें। और उसके बाद आपने देखा है वो थोड़ी देर आई और उसके बाद वो जो मास्टर पेंट की एड थी वो खत्म हो गई, अब मास्टर पेंट की वो वाली एड जो है वो टीवी के ऊपर नहीं चलती। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस तरह के बहुत सारे क्या उसे कहते हैं केसेस हैं रिपोर्टेड, उनकी वेबसाइट पे आप ccp.gov.pk लिखें तो उनकी वेबसाइट पे रिपोर्टेड केस और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के केसेस हैं।
जो कि टेक्निकल नेचर के नहीं होते, वो आपकी ह्यूमन नेचर उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकती है। एक केस मैंने पढ़ा था, उसके अंदर ये था कि लाहौर के अंदर ये जो फ्राई चिक्स वाले हैं, इन लोगों ने कॉफी इंट्रोड्यूस करवाई और जो दुनिया में सबसे बड़ी मशहूर कॉफी चेन है, मुझे उसका नाम भूल गया, ग्लोरिया जेन्स नहीं, दूसरी वाली जो ग्रीन कलर की होती है जिसका लोगो है, एनीवन कैन समवन टेल मी, स्टारबक्स। थैंक यू। तो स्टारबक्स का उन्होंने लोगो लगा के कॉफी बेचना शुरू कर दी। स्टारबक्स का पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है, स्टारबक्स पाकिस्तान में किसी को फ्रेंचाइज नहीं दिया, ना स्टारबक्स खुद पाकिस्तान के अंदर सेल करता है किसी चीज को, स्टारबक्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती इन एनी सिचुएशन। बट सिंस दे वर मार्केटिंग, देयर डिपार्टमेंट वाज विजिलेंट, तो उनको पता चल गया, उन्होंने लोकल एक हायर किया इंडिविजुअल को एज एक्सपर्ट जो कि लॉयर था, और कंपटीशन कमीशन में वो गया कि ये देखिए इन्होंने हमारा नाम यूज करके कॉफी बेची है, बट वी आर नॉट देयर। फिर उन्होंने प्रॉपर ग्राउंड पे वर्किंग की, कस्टमर्स गए या कस्टमर्स की शक्ल में बांध के गए, उन्होंने मेन्यू की तस्वीरें अटैच की हुई थी उस फाइल के अंदर, बाहर की फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिस जो लगी हुई थी उसके ग्लास के ऊपर उसकी पिक्चर्स लगाई, वेबसाइट्स के ऊपर जो उसका लोगो यूज किया हुआ था उसको रिपोर्ट किया, उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए थे। तो फिर तकरीबन कोई 55 लाख रुपए का फाइन जो है वो कंपटीशन कमीशन की तरफ से स्टारबक्स के फेवर में किया गया कि आप 55 लाख रुपए स्टारबक्स को पे करेंगे। आज से भी 8-10 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे और हमारा एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर हमारे टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दी थी कि जाके इसको स्टडी करें, तो हमारे जमाने में सीमेंट की कीमत जो थी वो 180 रुपए से बढ़ा के 420 रुपए कर दी गई थी विद इन 2 मंथ्स। कार्टलाइजेशन हुई थी बड़े बिजनेस के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री में, तो उन्होंने उस वक्त तकरीबन 6 अरब रुपए का फाइन किया था सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। सो दिस इज हाउ कंपटीशन कमीशन की वेबसाइट, अगर आप कभी फ्री हो तो उसको देखें, उसमें काफी इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं, उनकी रीजनिंग बड़ी स्ट्रांग होती है जिसकी बेसिस के ऊपर दूसरे के खिलाफ केस किया होता है। अब आ जाते हैं जी इस टॉपिक के ऊपर, इस्तिस्ना का ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप खुद पढ़ेंगे, इस्तिस्ना हमने समझ लिया हुआ है सारा, कि रिस्क जो है फॉर एग्जांपल डिलीवरी का है तो उसको कैसे कम करना है, नॉन परफॉर्मेंस का है तो उसको कैसे कवर करना है, क्वालिटी का है तो उसको कैसे कवर करना है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू लुक इन दिस फैक्टर। बाकी इस्तिस्ना मैं बता चुका हूँ, बाकी इस्तिजरात के बारे में हम कल देखेंगे। अगर कोई आपका सवाल है तो आप CR से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, GR से कह दीजिएगा, जस्ट फॉर योर कंसंट्रेशन ये डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इस सेशन को यहाँ पे पॉज, इन अदर वर्ड्स लाइव सेशन एंड कर रहा हूँ, बट आई एम अवेलेबल।